गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू निक्श्री व्लॉग्स। आई गुड मॉर्निंग गाइज। तो अभी सुबह के बजे हैं 9:30 और मैं यहाँ पे 8:15 के आसपास ही आ गई थी। फिर काकू ने और मैंने मिलके पूरा रूम क्लीन किया, बेडशीट को झाड़ के बिछाया। बेडशीट को झाड़ के बिछाया, सारे जितने भी मैट थे ना उनको झाड़ झाड़ के, और ये तो धोया था उनको बिछाया, डस्टबिन खाली किए एंड काकू ने वो भर के रख दिया। देखो चाय पत्ती है, कॉफी है, चीनी है, यहाँ पे भी डस्टिंग की, ये भी डस्टिंग की, यहाँ पे भी डस्टिंग की। अभी चाय बनाने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, जो रेडीमेड ये आई है हमारी, कॉफी वाले आए हैं, उसमें तो वो कह रही थी पानी में डालना है डायरेक्ट, तो उसमें तो दूध की भी जरूरत नहीं है, फिर वो तो पानी में डालना है ना गर्म करके। पानी तो है हमारे पास, काकू नीचे से ये भी भर के ले आया था, जार भी भर के ले आया था ठंडे पानी का, बना के देख लो। और हमने पूजा भी कर ली है, आप भी जय जय कर लो, जय जय। और आज तो कानू भी यहीं थे क्योंकि कानू का ध्यान रखने वाली उनकी मम्मा यानी कि हमारी भी मम्मा गई हैं। कहाँ पे गई हैं मम्मा? मामा के घर पे, मामा जी के घर पे गई हैं। और हमने सूरज देवता को जल भी चढ़ा दिया, तो अभी काकू को मैंने जस्ट याद दिलाया तो वो अब कॉफी बना रहे। और फिर हमें जाना है एक बार बिजली दफ्तर में काम से भी, क्योंकि हमारा जो मीटर लगना है वो उनकी प्रॉब्लम की वजह से अटक रहा है, हमारी काम की वजह से नहीं। और आज मेरी टी शर्ट चेंज है, आप देख सकते हो आज मेरी टी शर्ट चेंज है, आप देखो। यही तो मेन हाईलाइट था इस पूरी वीडियो का, इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। फाइनली हमारी कॉफी रेडी है जो कि काकू ने बनाई थी, और ये मेरे को पता नहीं टेस्ट में तो कैसी होगी पर दिखने में बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है। रीजन मैं आपको बताती हूँ क्यों, क्योंकि काकू कॉफी को इन क्यूट मग्स में डाल के लेके आया है। ये रे वो मग क्यूट से, एक बियर का है, ये वाला बियर का है ना, और ये वाला किसका है? बिल्ली का। पहले इंग्लिश ठीक करने लग जाया करो। ये भालू का है और ये किसका है? बिल्ली का। ये भालू का है और ये बिल्ली का है, और साथ में हम खा रहे हैं ओएस, जो कि मेरे को पसंद नहीं है। ये तो काकू ने जिद की, काकू ले आया, फिर भी मैंने खाऊंगी। हाँ आप खा लेना, मतलब ओएस और कॉफी का क्या कॉम्बिनेशन है। सुबह सुबह मेरे को खाना चाहिए होता है, सबको खाना चाहिए होता है, ओएस वगैरह थोड़ी कोई खाता है। चलो फिर चल के बनाएंगे नीचे। मैं तो बना लूंगा, चलते हैं नीचे एक बारी वीडियो का कर लूं। तो चलो यार कॉफी पी के मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, और ये बताना आपको ये मग कैसे लगे। तो गाइस जस्ट अभी मैं बाहर से आया था, बिजली दफ्तर से मैं होके आ गया। उन लोगों ने कहा कि भाई आपका जो मीटर है वो नहीं लगेगा, उन्होंने मना कर दिया क्लियर कट। उन्होंने कहा DDA को गवर्नमेंट की मतलब वो मिली है गाइडलाइंस कि भाई जो लोग अपने और ऊपर फ्लोर्स बनाते जा रहे हैं ना, या फिर मतलब और कनेक्शन न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो DDA ने अभी गाइडलाइंस मिली है गवर्नमेंट के थ्रू कुछ, तो उसके तहत सब कुछ रद्द कर दिया, मतलब लोगों को न्यू कनेक्शंस नहीं दे रहे अब वो। तो अगर हमारा पूरा किसी दिल्ली के अंदर नहीं दे रहे, मेनली पता है क्या रीजन है? मेनली ये रीजन है कि हर कोई नया कनेक्शन ले लेगा तो केजरीवाल ने फ्री बिजली दे रखी है, तो फ्री बिजली वो दे। जैसे कि हमारा अब घर बनेगा अगर कोई, तो उसमें अगर न्यू मीटर लगाना है तो क्या वो मीटर नहीं लगाएगा? अगर ऊपर पूरा फ्लोर बनता है तो वहाँ पे अगर मीटर चाहिए तो मीटर नहीं लगाएंगे फिर हम? पता नहीं अब उसने क्या उसने तो यही बोला वाले आपको, तो मैंने पूछ लिया कि DDA के अंदर मेरे को मतलब अब यहाँ पे काम नहीं होएगा DDA में, वो कहना उसने कहा कह रहा कुछ नहीं होएगा, कम से कम थोड़े दिन तक तो अभी कुछ नहीं होएगा, कह रहा सब कुछ मना है। तो आप जो आपके पहले से मीटर से जिससे कनेक्टेड है, कह रहा टेंशन के ले रहे हो, जिस मीटर से पहले कनेक्टेड है उसी से कनेक्ट रखो अभी। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं साथ में हमारे यहाँ ढाबा एक उससे खाना लेके आ गया था, मैं लेके आया हूँ कढ़ी की सब्जी, बटर रोटी। और ढाबे से मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आप यूजुअली होटल्स में जाओगे तो वहां पे आपको घर का टेस्ट नहीं मिलता पहली बात तो, दूसरा इन्होंने जो रोटी भी दी है ना वो ये वाली रोटी दी है, तवे वाली रोटी, ना कि तंदूर वाली रोटी, तो इस वजह से मैं ढाबे से लेके आया, और इनका खाना भी काफी टेस्टी है। तो चलो अब जल्दी से मोटू और मैं खाना खा लेते हैं। मोटू यहाँ बैठ के बहुत देर से एडिटिंग कर रहा है और भी काम कर रहा था, तो खाना वाना खा के मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है, सुबह से कुछ भी नहीं खा रखा हमने। यार दिन के बजने 4, मतलब सुबह से टाइम एकदम से कैसे शाम हो गई पता ही नहीं चलता ना, काम करते रहते तो कुछ पता ही नहीं चलता। बाय द वे थोड़ी देर पहले काकू ने बनाए थे अपने निसिन के चिकन वाले नूडल्स, वो खाए थे,
और काकू और मैं बैठ के ना बहुत देर से स्क्रिप्टिंग का काम कर रहे थे, मतलब सोच रहे थे कि जो आज वॉइस ओवर करना है उसमें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। तो फाइनली हमने सारा स्क्रिप्ट बना लिया था और मैंने वॉइस ओवर भी कर लिया और वो वीडियो आज रात 8:30 डल जाएगी निक्स किचन पे। शॉर्ट वीडियो थी गेट रेडी विद मी वाली, जो हम क्राउन प्लाजा में गए थे। और जब तक आप ये ब्लॉग देखोगे वो वीडियो ऑलरेडी डल चुकी होगी और आप भी देख चुके होगे। तो अभी मेरे को उसका बस थोड़ा सा यू नो पोस्ट एडिटिंग थोड़ी सी देखनी है बस, उसके बाद देखते हैं हम क्या करने वाले क्या नहीं। अभी तक तो हमने बस यही किया था, यहाँ पे बैठ के हम काम ही कर रहे थे अपना, और काकू थोड़ा सा फ्री हुआ था तो वो अभी फोन चला रहे हैं अपना, वीडियोस वगैरह देख रहे हैं। तो इसके बाद अगर कुछ अपडेट होगा तो आपको जरूर देंगे। यार काम करते करते शाम के बज गए हैं 5:30 और काकू को देखो काकू क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे भी थोड़ा बहुत पेंट उतर गया था ना, जो भी हमने डेकोरेशन का सामान लगाया था इस वॉल के ऊपर, पेंट होने के बाद थोड़े दिन बाद सीलन आ गई थी थोड़ी सी, लेकिन हमने जब बाद में पेंट वाले अंकल से पता करा तो उन्होंने बोला कि बाद में और नहीं आएगी, तुम बस इस पे एक कोट मार देना। तो बोलने को तो वो अंकल ही आने वाले थे लेकिन वो अंकल नहीं आए, उनको हमने बहुत फोन करे तो अंकल ने हमें धोखा दे दिया। तो इस चक्कर में मेरे को खुद पेंट करना पड़ रहा है इसके ऊपर। तो काकू काफी देर से इस वॉल पे लगा हुआ है, और उससे पहले वो जो वहाँ कील लगी है ना ये वाली ग्रे वॉल पे, यहाँ पे भी कील लगाते हुए थोड़ी सी सीमेंट बाहर आ गई थी तो पुट्टी भरी थी, तो इस पे भी कलर किया है, यहाँ पे भी थोड़ा सा कलर किया है और अभी नीचे भी करना है। इतने में मैं दोबारा से बना लाई हमारे क्यूट से मग में कॉफी और वीडियो भी हमारी एडिट हो गई है। वॉइस ओवर तो मैंने आपको बता ही दिया था हो गया, बस अपलोड करनी रहती है। पी लो एक बार कॉफी। Three hours later. यार काम करते करते पहले तो फेसेस देख लो कैसे हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही थी तो थोड़ी देर हम बाहर बैठ गए थे छत पे, और तुम वहां तुम पहुंच के आए थोड़े से ऐसे ही, और रात के 8:30 हो रहे हैं, हम बाहर कहीं जा नहीं पाए क्योंकि पूरा टाइम वीडियो एडिटिंग वॉइस ओवर में निकल गया, इनमें निकल गया, बाकी इंस्टा पे पोस्ट करना, इधर पोस्ट करना, उधर पोस्ट करना, इन चीजों में भी निकल गया, और कुछ काकू पेंट कर रहा था वो भी जरूरी था। सॉरी आज के ब्लॉग में कुछ नहीं दिखा पाए, बट हमने वीडियोज एडिट करके वॉइस ओवर कर लिया है, तो आपको निक्स किचन पे बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी वीडियोज देखने को मिलेंगी, है ना काकू? मस्त वीडियो एडिट किया हमने, आप लोगों को मजा आ जाएगा। सारी वीडियोज जो हम अभी बना रहे हैं ना और आगे भी बनाएंगे वो सारी बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाली, इसीलिए हम बाहर कहीं नहीं गए, वरना हम जाने वाले थे। हमारे पास 1 आवर बचा था, हमेशा ही प्लान रहता है कि मतलब शाम के टाइम कहीं ना कहीं बाहर हो गया, उससे माइंड भी फ्रेश होता है, बट ये काम करना भी उतना ही जरूरी है जितना बाहर घूमना। लास्ट का 1 आवर हमारे पास बचा था, हम जा सकते थे लेकिन हम नहीं गए क्योंकि हमने सोचा कि अभी जल्दी से काम कर देते हैं ताकि हम पुरानी वीडियोस हमारी जल्दी से सारी, जैसा कि आपको अभी कमेंट है फिर मेरी बात कर दी, ताकि हमारी पुरानी वीडियो सारी जल्दी से खत्म हो जाए और हम न्यू वीडियो स्टूडियो में बना पाए। जैसा कि हमने आपको कमिटमेंट किया है कि हम रेगुलरली वीडियोस भी अपलोड करेंगे, इस वजह से तो उसके लिए वॉइस ओवर भी तो करना पड़ेगा ना। तो आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। मोटू के हाथ में दर्द हो गया, तब तक के लिए सी यू टाटा, बाय 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 बाय। मैं भी घर जा रही हूँ।